बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ बहरिया टाउन रावलपिंडी, जहाँ पे हम विज़िट करेंगे 12 मरला ब्रांड न्यू हाउस जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेल के लिए। इस घर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ब्लॉक एच है और बहरिया टाउन फेज़ 8 इसकी लोकेशन है जहाँ पे ये घर लोकेटेड है। घर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन हुआ हुआ है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल है। देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो काइंडली आप एंड तक लाजमी देखिएगा। इस घर की प्राइस और फर्दर फीचर्स और इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो हम इसी वीडियो के दौरान ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख लें, जिसमें कंप्लीट टाइल का इस्तेमाल किया गया है। स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स लगाई गई हैं और खूबसूरत कलर में जो है वो इसका मेन डोर डिज़ाइन किया गया। उसके बाद हम इसका स्ट्रीट ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। इस घर के सामने जो है वो वाइड स्ट्रीट है। जी वर्स फ्रंट एलिवेशन एक दफ़ा दोबारा, बहरिया टाउन फेज़ 8 ब्लॉक एच है। कार रैंप आप देख सकते हैं इस घर के। टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस साइड पे जो है वो इस घर का ग्रीन एरिया है। अगेन एक दफ़ा फ्रंट एलिवेशन, पोर्च के अंदर लेके चलते हैं आपको। जी वर्स पोर्च, फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की हुई है कंप्लीट और ऊपर आप सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे मज़ीद बढ़ेंगे तो इस साइड पे जो है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया है और वाटर पंप यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है जो कि पानी को अपलिफ्ट करेगा। उसके बाद फर्दर अगर हम पार्किंग स्पेस की बात करें तो ईज़िली 2 सेडान कार्स जो हैं वो इस पार्किंग स्पेस इस पोर्च में पार्क हो सकती हैं। 12 मरला घर है, अमूमन 10 मरला से जो ऊपर घर होते हैं उनमें 2 साइड गैलरी डिज़ाइन की जाती है, तो इसके लेफ्ट और बैक पे जो है वो गैलरी अवेलेबल है। स्टेयर्स आप देख सकते हैं सर्वेंट को एक्सेस के लिए ऊपर जो है वो राउंड शेप में स्टेयर्स जा रही हैं। ये डोर आप देख सकते हैं एग्ज़िट होगा किचन की तरफ और ये फर्स्ट फ्लोर के लिए अलहदा से जो है वो सेपरेट एंट्रेंस। जी ये घर की जो है वो आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस है। एंटर होते ही स्टेप पे जो है वो जेट ब्लैक कलर ग्रेनाइट का इस्तेमाल है। आगे मज़ीद देखेंगे तो आप फ्लोरिंग टाइल की हुई हुई है। मेरे राइट साइड पर जो है वो ड्राइंग रूम का एरिया है, मज़ीद लेफ्ट होंगे तो इस साइड पर पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया है और सामने जो है वो टीवी लाउंज है। ये घर की लेफ्ट साइड पे आप मुड़ेंगे तो स्टेयर्स जो है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए। इसको आप प्रॉपर डबल यूनिट हाउस डिज़ाइन करना चाहें तो यहाँ से आप इसको ग्लास या वुड के साथ सेपरेशन कर सकते हैं और ये सेपरेट यहाँ से मुकम्मल हो जाएगा घर। सबसे पहले हम विज़िट कर लेते हैं इसके ड्राइंग रूम का। ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन फैन के साथ। लेफ़्ट साइड पे जो है वो आप देख सकते हैं डोर की पार्टीशन की गई है टीवी लाउंज के साथ, वेंटिलेशन के लिए विंडो सिक्योरिटी ग्रिल्स के साथ और फ्लोरिंग जो है वो नीचे टाइल की गई है। पाउडर रूम को हम देख लेते हैं। जी बस उसके बाद ये एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी स्पेस है। यहाँ पे अगर आप स्टेयर्स के नीचे कबर्ड्स डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप सीटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे सीटिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टीवी लाउंज की तरफ। तो टीवी लाउंज का एरिया आप देख सकते हैं कम्प्लीट वॉल पर जो है वो वाल पेपर का इस्तेमाल किया गया। इस साइड पर भी आप देखेंगे और उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन फ़ैन के साथ और फानूस भी इंस्टॉल किया गया। सामने आपको जो है वो 2 बेडरूम्स दिख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स की अवेलेबिलिटी है और फर्दर ये आप देख रहे हैं कैबिनेट्स डिज़ाइन किए गए हैं। साथ में जो है वो इसका क्लोज किचन, इसमें जो है वो क्लोज किचन डिज़ाइन हुआ हुआ है। अमूमन जितने भी हम घर दिखाते हैं उसमें मोस्टली जो ज़्यादातर घर हैं उनमें किचन जो है वो ओपन डिज़ाइन हुआ होता है, बट इस घर में जो है वो इसका किचन क्लोज है आप देख सकते हैं। वॉश बेसन और उसके साथ जो है वो वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो है। इस साइड पे आप देख सकते हैं डोर एग्जिट हो रहा है लेफ्ट साइड गैलरी पे जो कि आपको मैंने विजिट कराया सबसे पहले, और जाली वाला इसका दरवाज़ा भी इंस्टॉल किया गया।
फर्दर हम मूव होते हैं बेडरूम्स की तरफ, तो सबसे पहले बेड फर्स्ट में एंटर होते हैं। ये इसका बेड फर्स्ट, इस बेडरूम की कबर्ड्स, ऊपर सीलिंग डिजाइन, सामने वेंटिलेशन विंडो, इसकी कवर्स, कवर्स के बाद इसका अटैच वॉशरूम देख लेते हैं। बेडरूम फर्स्ट, उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। फ्लोर प्लान आप चेक कर लें इस घर का, मीडिया वॉल जी। ये इसका सेकंड बेडरूम आ गया। सेकंड बेडरूम में पहले आप देख लें विंडो, इस साइड पे जो है वो वॉल डिज़ाइन की गई है वॉलपेपर के साथ। इस घर में आपको किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम अगर दिख रहा है, जैसे वो आप देख रहे हैं वॉलपेपर जो है वो थोड़ा सा वहाँ से उखड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओनर के एंड से रिफ्रेश करके दी जाएंगी। कबर्स सेकेंड बेडरूम की और अटैच वॉशरूम। अलहदा से जो है वो शॉवर एरिया इस बेडरूम का, सॉरी इस वॉशरूम का, और वेंटिलेशन विंडो है और ऊपर एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल किया गया। ये इसका जो है वो किचन हो, सॉरी अटैच वॉशरूम हो गया सेकंड बेडरूम का। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और वहाँ पे हम फर्दर अकोमोडेशन देख लेते हैं। जी बस ये इसकी सेपरेटली एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर की बाहर से, और स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं जेट ब्लैक, सॉरी स्टेयर्स पे जो है वो ग्रेनाइट का इस्तेमाल है, और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो विंडो दी गई है वेंटिलेशन पर्पस के लिए। और फर्दर हम देखेंगे तो राइट साइड पे जो ग्रिल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील्स की हैं। जी वर्स ऊपर आते ही हमारे सामने जो है वो बड़ी स्पेस के साथ टीवी लाउंज, इस साइड पे जो है वो बेडरूम, और मज़ीद इस साइड पे बढ़ेंगे तो टेरेस का एरिया और ममटी के लिए स्टेयर्स। सबसे पहले हम विज़िट कर लेते हैं टेरेस को। क्लोज है टेरेस ऊपर से, ओपन टेरेस नहीं है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। शाम के टाइम जो है वो यहाँ पे आप सिटिंग अरेंज करके जो है वो चाय और कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। टेरेस से आप देख सकते हैं स्ट्रीट ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं घर के बाकी हिस्से की तरफ। ये स्टेयर्स जो हैं वो ऊपर ममटी के लिए। टेरेस से, टेरेस पे जाने के लिए जाने से पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट्स और नीचे जो है वो टेबल डिज़ाइन किया गया। इस ये बेसिकली जो है वो प्रेसिंग के लिए है, आयरन के लिए। यहाँ पे आप कपड़े वगैरह प्रेस कर सकते हैं। पहले हम चलते हैं बेडरूम फर्स्ट में। फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन है। सीलिंग डिज़ाइन, कबर्स, और साथ में जो है वो अटैच वॉशरूम। टीवी लाउंज का एरिया सामने आप देख सकते हैं, वॉल पे वॉलपेपर और मीडिया वॉल, ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग डिज़ाइन फानूस के साथ, और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो इसका ओपन किचन है। फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो ओपन किचन डिज़ाइन किया गया और ग्राउंड फ्लोर पे क्लोज किचन है। काउंटर पे जो है वो जेट ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल है, और कबर्ड्स के लिए आप, कबर्ड्स के लिए आप देख सकते हैं यूवी शीट का इस्तेमाल किया गया। बर्नर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है।
ओपन किचन, उसके बाद जो रिमेनिंग इसके बेडरूम देख लेते हैं। बेडरूम सेकंड, कबर्ड्स, और साथ में जो है वो इसका अटैच वॉशरूम। जी बस ये हो गया इसका सेकंड बेडरूम, और लास्ट में हम विजिट कर लेते हैं थर्ड बेडरूम को। अटैच वॉशरूम, जी बस थ्री बेडरूम के अकोमोडेशन के साथ फर्स्ट फ्लोर का भी विजिट जो है वो कंप्लीट होता है। फ्लोरिंग आप नीचे देख लें, टाइल की जो है वो टीवी लाउंज, और तमाम बेडरूम्स में जो है वो एक ही पैटर्न और एक ही कलर की हुई हुई है। लास्ट में हम चले चलते हैं इसकी ममटी की तरफ, वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं बाकी चीज़ें। स्टेयर्स पे जाने से पहले लेफ्ट साइड पे जो है विंडो है वेंटिलेशन और लाइट पर्पज़ के लिए, और फर्दर राइट साइड पर जो ग्रिल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की हैं। ऊपर छत पे आ चुके हैं, फ्लोरिंग जो है वो चिप्स की हुई है छत पे, और एक सर्वेंट क्वार्टर है यहाँ पे, अटैच वॉशरूम है उसका। बैक साइड से भी एक्सेस है सर्वेंट की, और ये आप देख सकते हैं टैंकी इसकी कंक्रीट की है। ऊपर से मैं आपको टॉप व्यू इसका चेक करवा देता हूँ। जी व्यूअर्स, इस घर की जो प्राइस है वो 2,60,00,000 है, 260,00,000 आस्किंग प्राइस है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए सेल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल, नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0333-611-925 हमारा गिवन नंबर है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो व्यूअर्स इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।